हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ फिर से रूबरू हो रही हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि वॉइस ओवर इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जब से इंडिया आई हूँ तब से इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है, इतने सारे फ़ोटो इतने सारे वीडियोज़ बनते ही जा रहे हैं कि मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं उन्हें आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें ग्लिम्स वगैरह सब आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिसका बहुत सारा लाभ आप लोग भी उठा सकते हैं। कितनी बार हम किसी मंदिर में जाते हैं और कुछ कुछ तो इतने नए नए मंदिर हैं, इतने सुंदर मंदिर बने, इतने भव्य मंदिर बने हैं जहाँ पे भजन कीर्तन, हमारे रिश्तेदार मिलना, हमारा उनके साथ मिलना, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चलती ही जा रही हैं साथ के साथ। और बच्चों को भी मैं जब ले जाती हूँ उनको दर्शन कराने के लिए तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं बच्चों के साथ ज़्यादा इंजॉयमेंट कर सकूँ। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी सी गेम्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। इसीलिए आज बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा कि चलो आज मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। फिलहाल हम लोग आज आए हुए हैं पितरेश्वर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। ये एक पर्वत पे बना हुआ है इंदौर में, थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर बाहर की साइड आता है। तो हम लोग सब आ गए थे, मैं, मम्मी और दोनों बच्चे। हम लोगों ने भगवान के दर्शन करे, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ भी थी, हालांकि बच्चों को भीड़ में लेके जाना मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि एक तो सर्दी खांसी, ऊपर से हाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर मानसून बहुत जल्दी हिट हो गया है। मतलब मानसून जैसे ही आया ना तो इतनी सारी चीज़ें जो प्लान्स हम लोगों ने सुबह से बनाए होते हैं वो दोपहर होते होते चौपी हो जाते हैं, फिर समझ में ही नहीं आता कि अब क्या करें क्योंकि हम लोग जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो दिन पे डाल देते हैं ठीक उसी तरीके से। इसीलिए तो यहाँ पे फिलहाल मैं पितरेश्वर हनुमान जी के दर्शन कर रही थी और उसकी मूर्ति इतनी खूबसूरत बनी हुई है यार, उस पर से आँखें ही नहीं हट रही थी। तो मैंने यही सोचा कि चलो मैं कैमरे से कैद करूँ, पर मैं आपको बता दूँ सच्ची में आप कैमरे से कितनी सारी चीज़ें कैद कर लेते हैं लेकिन जो आपकी असल आँखें कैद कर पाती हैं अपनी आँखों में, अपने दिल दिमाग में ना, वो मैं आपको बता दूँ कोई भी कैमरा वो चीज़ें कैद नहीं कर पाती हैं। सच्ची बता रही हूँ, मेरे आप ये वीडियोज़ भी देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये कैमरे में इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है तो रियलिटी में कैसे दिखाई देगा। तो मैं सच्ची आपको बता दूँ कि कैमरा वो जज नहीं कर पाता है जो आपकी रियल आँखें जज कर पाती हैं। इतना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है कि आसपास इतनी हरियाली आई हुई थी, इतना अच्छा लग रहा था, भीड़ भी काफ़ी अच्छी थी, बिल्कुल फैमिली ओरिएंटेड लोग आते हैं, सब अपने परिवार के साथ आते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ समय बिताते हैं। और ये मूर्ति इतनी खूबसूरत है कि इसके साथ फ़ोटो खींचना तो वाजिब है भाई, फिर ये फ़ोटो खींचे बिना तो कोई चीज़ का मज़ा ही नहीं आता। अगर किसी के पास, आप सभी के पास अगर इस तरह के स्मार्टफोन्स हैं जिनके कैमरे इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे फीचर्स वाले हैं, तो भाई वेट क्यों करना, ये तो भाई अपने अपने हुनर की बात होती है। काफ़ी सारे लोगों से मैं मिल रही हूँ यहाँ पे, सबके थॉट्स एंड व्यूज़ जान रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आपको बता दूँ इतने सारे लोगों से मिलना हो रहा है, इतने सारे रिश्तेदारों से मिलना हो रहा है, 10 साल के बाद मैं मिल रही हूँ, सच में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों के साथ मिलना जुलना। तो मैं आपको बता दूँ मैंने कोशिश ये करी है कि थोड़े थोड़े से ग्लिम्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिलहाल यहाँ पर हमारे दर्शन हो गए, तसल्ली से हमने दर्शन कर लिए। मंदिर मंदिर घूमने का बड़ा शौक था, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ मिलूँ जिनके साथ वही चीज़ें वही पुरानी बातें, क्योंकि ऑफकोर्स अगर उनके घर पर जाते हैं तो टाइम उन्हीं चीज़ों में चला जाता है, दूसरी बातों में चला जाता है, फिर आप बच्चों को इग्नोर कर बैठते हो। बच्चों को मेरे को इस कल्चर को भी इंट्रोड्यूस करवाना है, इसीलिए तो एक पूरा दिन मैंने बच्चों के साथ मंदिर के दर्शन भी करे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने करी है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। फिलहाल यहाँ पे दूसरा दिन है, दूसरे दिन मम्मी ने सबको खाने पे बुलाया था तो मेरी बुआ के साथ हम लोग गए थे खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट की बहुत अपने आप में एक स्पेशलिटी है और ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जगह का नाम है हे डेली पिज्ज़ा। तो यानी कि यहाँ पे 350 रुपये की टिकट है और अंदर जाके आपको वैरायटी फूड मिलता है और वैरायटी फूड में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब कि सी कबाब है, फिर पनीर शशलिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब 350 के प्लेट में काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाती है। देखिए जैसे कि मैंने काफ़ी कुछ कवर भी करा है, पर ऑफकोर्स सारी चीज़ें देखने के चक्कर में मुझे खुद ही इतनी भूख लग गई थी तो मैंने यही सोचा कि एक बार कैमरा साइड में रख देती हूँ और पहले खाने का मज़ा लेती हूँ ठीक उसी तरीके से। तो आप लोग भी देखिए और इन चीज़ों को इन्जॉय करिए। हम लोगों ने तो काफ़ी इन्जॉय करा और ये इंडिया ट्रिप मेरा तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा, 10 साल के बाद आने का, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस हुए। एंड ऑफकोर्स मैं खुद इंदौर की हूँ तो इंदौर की तो तारीफ़ करनी बनती है, इसलिए और नॉन स्टॉप चाहे कुछ भी कर लो
सच में इंदौर में इतनी सारे चेंजेस आए हैं, चाहे रेस्टोरेंट के मामले में हो, चाहे ट्रैफिक के मामले में हो, कुछ पॉजिटिव माइनस हर एक को अपने अपने नज़रिए से नज़र आते हैं। पर मैं आपको बता दूं, इतनी क्लीनेस्ट सिटी हो गई है, यहाँ की सफाई देख के तो भाई हमें ही बड़ा आश्चर्य लगा। मैं तो खुद पक्की इंदौरी हूँ, इंदौर से, इंदौर में ही जन्मी हूँ और इंदौर में ही बड़ी हुई हूँ, तो आज ये सब देख के इतनी खुशी हो रही है कि मेरी सिटी इतनी खूबसूरत हो गई है। एंड आई एम सो प्राउड, मुझे अपने आप में इस बात का फ़ख्र है कि मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ, जो कंटिन्यूसली 6 साल से क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीतता आ रहा है और अभी 7वीं बार और ज़्यादा इसके उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। और ये मेरा एक छोटा सा परिवार ही है, मेरी बुआ की फैमिली है, जैसे कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा ही है, मेरे छोटे फूफा जी हैं, उनकी दोनों पोतियाँ हैं, और ये मेरी फैमिली है जहाँ पे मेरे दोनों बच्चे, मेरी भाभी, भैया, हम लोग सब बैठे हुए थे, काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे और इस रेस्टोरेंट का खाना भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। तो एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं तो अपनी खुद की पर्सनल रेटिंग ही दे रही हूँ। मुझे इस जगह का खाना भी बहुत अच्छा लगा, रेटिंग भी बहुत अच्छी लगी, और इनफैक्ट यहाँ के जो प्राइसेस है 350 रुपये वो भी बहुत अच्छे लगे। तो चलिए हम यहाँ पे हमारा खाना भी इंजॉय करते हैं, हमारी आइसक्रीम भी इंजॉय करते हैं, हम लोगों ने मॉकटेल्स भी ली थी, मॉकटेल्स के लिए भी यहाँ पे 4-5 फ्लेवर्स थे, काफ़ी अच्छे लगे खूब अच्छे से। और साथ से लास्ट में यहाँ पे आइसक्रीम्स भी होती हैं, तो बच्चों को आइसक्रीम के फ्लेवर्स भी दे दिए थे उन लोगों ने, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वनीला, ऐसे करके, तो बच्चों ने भी खूब अच्छे से इंजॉय करा, हम लोगों ने हमारी मॉकटेल इंजॉय करी, तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ का एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी पारिवारिक लोग आए हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए हम लोग हमारा खाना इंजॉय करते हैं, थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। Adi, Prisha, look it over here. Look. Adi, see. Rudrakshi, look it over there. And Pupaji is driving the car. There you go. ये हमारी यादें अभी गाड़ी में बैठे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ जने बैठे भाई हम लोग इसमें। वो गाड़ी कहाँ से की है, चला लो। और बाहर का मौसम बहुत ज़बरदस्त गर्मी वाला हो रखा है। सॉरी, मैं बहुत दिनों से व्लॉग बना तो रही हूँ लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा है एडिटिंग वगैरह करने का, इतना ज़्यादा बिजी हो गए, इतनी सारी चीज़ें चल रही है ना एक साथ, कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड भी कर पाती हूँ, कितनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं भी कर पाती, इसीलिए मैं सोचा थोड़े थोड़े से ग्लिम्स तो कैच करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसीलिए नहीं किया। और अभी हम लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में, बहुत प्यारी सी यादें बना रहे। याद आएगी आपको, याद आएगी, पता हुआ ये ना याद क्यों नहीं आया, इसीलिए आज पार्टी रखी थी। और क्या, आज हम लोग खाना खाने के लिए आए हुए थे, कौन सी जगह, हेडली पिज्जा यहाँ पे इंदौर में है, बहुत बढ़िया है। पर हेड हम लोगों को लगा 350 और जितना चाहो उतना खाओ, बस एक बार का पेमेंट करते हैं और ये हम लोगों को बैंड मिला। और इनफेक्ट ऐसा है कि आप 12 बजे आओ, 1 बजे तक खाते रहो, फिर 1 घंटे का ब्रेक लो, 2 बजे फिर वापस खाना शुरू कर दो। आराम से बहुत सारा खाना था, तरह तरह का, इंडो चाइनीज भी था, जैन फूड भी था, कुछ उपास वालों के लिए भी दे रखा था।
लिया बहुत सारे मैंने आप लोगों के लिए, इसलिए वहाँ की वीडियोस भी कैच करे हैं। और कितने सारे वीडियोस में आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को वीडियोस देख के समझ में आ जाएगा कि हम लोग कितने ज्यादा बिजी थे, बहुत इंजॉय कर रहा। टेबल पे बैठते ही पिज्जा आ गए थे, काफी अच्छी सर्विस भी थी उन लोगों की, और हम सबको भी बहुत अच्छा लगा, खाना भी बहुत अच्छा था उन लोगों का। साथ में उन लोगों ने मॉकटेल भी रखी हुई थी और एक आइसक्रीम रखी हुई थी, सेम टू सेम वैसे ही जैसे वो यूएसए में हम लोग खाते हैं, ठीक वैसे ही वही वाला एक्चुअली सेटअप कर रखा है इन्होंने, बहुत अच्छा। यूएसए में एक तरह का मिलता है, यहां 10 तरह का मिलता है। हाँ बहुत बढ़िया थे। हाँ चलिए हम लोग हमारी बातें करते हैं थोड़ी देर में, फिर कैचअप करते हैं।